शंकर के पास बहुत समय से एक बहुत ही भली अच्छी गाय थी जिसका नाम मधु था। मधु ने काफी सालों तक शंकर को भर भर के दूध दिया। जब वो बहुत गरीब हुआ करता था तब से मधु उसके पास थी और मधु की वजह से शंकर की गरीबी दूर हुई। उसका दूध इतना टेस्टी और मीठा दूध था कि सारे गांव वाले उसी के घर से दूध ले जाना पसंद करते थे। लेकिन अब समय ऐसा आ गया था कि मधु ना तो बच्चे दे सकती थी और ना दूध, वो बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन मधु की ही जनी हुई दो बेटियां चांदनी और रोशनी शंकर के घर में थी। दोनों गायें अब शंकर का घर चला रही थी, अच्छा खासा दूध देती थी दोनों। इस बात से मधु को गर्व भी होता था कि उसकी बेटियां उसकी जगह दूध दे रही हैं। चांदनी, आज तो तुमने बहुत दूध दिया बहन, मुझे लग रहा है तुमने आज ज्यादा ही चारा खा लिया था। हाँ दीदी, आज मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था, भूखी इतनी तेज थी आज कि खाते खाते पता ही नहीं चला। मेरी बच्चियों, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं मालिक को दूध नहीं दे सकती, अब बूढ़ी हो गई हूँ, पर तुम दोनों मेरा अंश, मेरा नाम रोशन कर रही हो, मालिक को इतना दूध देके उनका घर चला रही हो, मैं तो किसी काम की नहीं रही अब। ऐसा ना कहो माँ, जितना तुमने मालिक के लिए किया है उतना तो हम दोनों भी मिलके नहीं कर सकती। और जो मालिक मेरे लिए कर रहे हैं, हालांकि मालिक को मुझसे कोई फायदा नहीं हो रहा, मुफ्त का पाल रहे हैं मुझे, उनकी जगह कोई दूसरा होता तो मुझे कब का कसाई को बेच चुका होता, पर मालिक मुझे कितना प्यार करते हैं, अब भी मेरी कितनी देखभाल करते हैं। शंकर जितना प्यार चांदनी और रोशनी को करता था उतना ही वो मधु को भी करता था। उसको अपने पुराने दिन याद थे जब उसकी बहुत खस्ता हालत थी, उसको मधु के किए का बहुत एहसास था। मधु ने उसके बाद चांदनी और रोशनी को जन्म दिया। मधु की दोनों बेटियां अब अपनी माँ का फर्ज निभाती हैं और मालिक को वो भी मधु की तरह खूब सारा दूध देती हैं।